अल्लाह नाजरीन आज के उर्दू नामे के इस एपिसोड में आपका खैर मकदम उर्दू सहाफ़त के 200 सौ सो बरसों की तकमील पर हम उर्दू सहाफत से जुड़े हुए मुख्तलि पर आपसे गुफ्तगु कर रहे हैं मुख्तल मेहमानों से आपका आमना सामना उनसे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं आज के हमारे मेहमान हैं जनाब एफ एम सलीम साहब पिछले तीन दहाइयों से आप सहाफत में सरगर्म हैं उर्दू अखबार के लिए भी आप लिखते हैं बुनियादी तौर पर आप हिंदी सहाफ़त से जुड़े हुए हैं सलीम साहब हम आपका आज के इस प्रोग्राम में खैर मददम करते हैं जी शुक्रिया आपने याद किया नाज्रीन आज की हमारी गुफ्तु का मौजू है चूँकि हमारे जो मेहमान हैं वो एक हिंदी के बड़े अखबार मिलाप के ब्यूरो चीफ हैं ब्यूरो चीफ की जो जिम्मेदारी होती है वो रिपोर्टिंग की होती है तो उर्दू सहाफत जब अपने आगाज़ के दो सौ बरस तकमील कर रही है तो आगाज़ में उर्दू सहाफ़त् में रिपोर्टिंग कैसे होती थी उसके मुतालिक हम किताबों में पढ़ते हैं कि किस तरीके से रिपोर्टिंग एक ही जो एडिटर होता था वही अखबार में रिपोर्टर के फ़रज़ भी अंजाम देता था और फिर जहाँ तक रिपोर्टिंग की बात है तो अट्ठारह में दिल्ली उर्दू अखबार में किस तरीके से रिपोर्टें शाया होती थी या फिर आप वो देखिएगा कि जब हिंदुस्तान को अभी आजादी नहीं मिली थी कांग्रेस और दीगर जमातों के जो वफद थे जो लोग थे जो थे वो लंदन जाते जा जा थे गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस में शरीक होते थे और फिर लंदन से जो खबरें बजरिये टेलीग्राम हिंदुस्तान पहुंचती थी कभी दो दिन बाद कभी तीन दिन बाद और फिर डेट लाइन में बाजा तौर पर लिखा जाता था बजरिये टेलीग्राम वो, वो उर्दू तारीख का एक बाब है मौजूदा दौर में उर्दू सहाफत में जो रिपोर्टिंग के वसाइल हैं मसायल हैं और इम्कान इस पर हम बात करेंगे सलीम साहब मेरा आपसे जो पहला सवाल मौजूदा दौर में जो उर्दू सहाफत की जो रिपोर्टिंग है उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे मौजूदा दौर आ, की बात शुरू करने से पहले मैं गुजश्ता तीस पैंतीस बरसों में जो मैंने तरे, जिस तरह के हालात सहाफत में देखे हैं तो उसकी बात करूँगा मैं आ, उन्नीस और छियानवे के आसपास या चौरानवे पचानवे छियानवे के आसपास रहनुमा में मैंने शुरुआत की थी अपनी सहाफत की उस दौरान मैंने देखा कि जो बड़े अखबार थे हैदराबाद के उनमें रिपोर्टिंग सेक्शन उतना मज़बूत नहीं था जो जराए थे ख़बरों के वो एजेंसियां थीं और हैदराबाद की खुशकस्मती रही कि उर्दू में अच्छी एजेंसियां उस वक्त थी और एजेंसियों में रिपोर्टर हुआ करते थे आ, अखबारों में मैं समझता हूँ कभी पाँच चार आ, तीन इस तरह से ब्यूरो ब्यूरो के मेंबर आ, मैंने पाए और ज्यादा जा, से ज्यादा जो है बड़ा अखबार है तो दस के आसपास ब्यूरो मेंबर जो है आ, वो अखबारों में रहे हैं लेकिन जो बड़ा हिस्सा था अखबारों में वो प्रेस नोट की शक्ल में आज भी हम देखते हैं कि रास्त खबरों की शक्ल में जो है अखबारों में छपता है और ज्यादा मैं समझता हूँ जो मजहबी ख़बरें हैं या आ, अदबी खबरें हैं या सियासी खबरें आजकल तो सियासी खबरें भी रास्ता आने लगी हैं तो उसमें आ, जो रिपोर्टिंग का जो हिस्सा है उसका काम आ, कम हो गया है लेकिन जो अगर मैं नवद और नब क्या कहेंगे उसको के उन नवद की जो दहाई है वो और नई सदी की जो पहली दहाई है वो इस दौरान की रिपोर्टिंग की बात करूँ तो हैदराबाद में खसूस उर्दू सहाफत का उसको सुनहरा दौर कहा जा सकता है नाइनटीन से लेके दो के आसपास का जो दौर है इसलिए कि बड़ी तादाद में उर्दू के सहाफ़ी जो है मुखर करदा सहाफ़ी तनख्वाह याफ्ता अखबारों में रहे और वो रिपोर्टिंग के लिए आ, शौकीन भी थे और आ, बड़ी बड़े मेहनती रिपोर्टर जो है उनमें से काफी रिपोर्टर अभी भी जो है काम कर रहे हैं उनकी मेहनत अखबारों में झलकती रही और जो सीधे रिपोर्टिंग जिसको आप कहते हैं फील्ड रिपोर्टिंग जिसको हम कहते हैं वो वो अच्छा दौर रहा बीस पच्चीस साल का जो दौर रहा कोविड के आसपास तक का जो दौर था वो बहुत सुनहरा दौर उर्दू सहाफत का हम कह सकते हैं यकीन कोविड के बाद के हालात पर हम उस तफसली गुफ्तु उस पर भी कर सकते हैं दो दो तीन खास बातें थी के मैं चंद्रा बाबू नायडू के दौर की बात करूं तो आप को बताता चलूं कि सुबह सुबह चार बजे से रिपोर्टिंग शुरू होती थी सी से जो एक दिन पहले इंफॉर्मेशन आती थी कि वो सुबह पांच बजे अपने घर से निकलने वाले हैं और चाहे वो किसी भी जबान के रिपोर्टर रहे हों किसी भी अखबार के वो उनको तीन बजे घर से निकलना पड़ता था इसलिए कि उस वक्त सबके पास ट्रांसपोर्ट हो ये जरूरी नहीं था कई लोग तो मैं समझता हूँ जिसके पास गाड़ी है उनको पहले ही बोल देते थे कि मैं आपकी गाड़ी पे आऊंगा लेकिन चार बजे के आसपास सीएम के घर के सामने फुटपाथ पर बैठकर जो है इंतजार करना और उसके बाद फिर सीएम के दौरे में शामिल होना और फिर रात की रात देर गए तक खबरें लिखना ये जो सिलसिला था मैं समझता हूँ उसको शायद नव्ब से पहले रहा होगा मुझे नहीं पता और अब 2022 के बाद रहेगा भी ये मुझे इसका अंदाजा नहीं है आ, लेकिन ये बहुत अच्छा दौर रहा और उर्दू अखबारों की उर्दू सहाफत की खुशकस्मती थी कि मैं समझता हूँ आप भी उनमें शामिल रहे हैं तो आपको भी इसका अंदाजा है कि एक अच्छा दौर हमने जिया है सहाफत में रिपोर्टिंग फील्ड रिपोर्टिंग के लिए बड़ा दिलचस्प आपका जवाब था और उस दौरान हालांकि कई सवाल मेरे जहन में आ रहे थे लेकिन मैं आपको जी। उस दरमियान में जी जी, उसको रोकना मुनासिब नहीं समझा जो मेरा पहला सवाल ये आता है कि तीस साल चालीस साल पहले जो उर्दू सहाफत थी उस सहाफत में जो एक तो कौमी और बैन अमी खबरों के लिए हमारे पास खबर रसाईदारे थे न्यूज एजेंसी थी आपने एक नुकता बताया और बहुत काबिल गौर है कि लोकल मुकामी सतह की भी उर्दू की खबर रसा एजेंसिया हुआ करती थी जहां पर जो उनका ब्योरोक्शन होता था रिपोर्टिंग का जो सेक्शन होता था वो बड़ा होता था काफी और वो केटर करते थे तो आहिस्ता आहिस् जो लोकल न्यूज एजेंसी थे उर्दू की वो खत्म हो गई और फिर जो अखबार का अपना जो रिपोर्टिंग सेक्शन है वो बड़ा हो गया तो ये अच्छा हुआ उर्दू सहाफत के लिए या मनफी पहलू है जी मैं समझता हूँ ये मनफी पहलू है इसलिए कि अगर मैं दूसरी जबानों के अखबारों की बात करूँ तो वहाँ आज भी एजेंसियों का वजूद है इलाकई एजेंसियों का वजूद है अंग्रेजी में है अंग्रेजी में आज भी अच्छी एजेंसियाँ मौजूद हैं हालांकि उनका स्टिंगर सिस्टम होने के बावजूद एजेंसियों से खबरें ली जाती हैं उर्दू में एजेंसियों की खास बात यह थी के अखबार में जो सहाफ़ी मुखर होते थे या तनख्वाह तनख्वाफ्ता होते थे उनकी तादाद कम होती थी और उनकी तनख्वा तादाद कम होती थी और जगह भी कम होती थी उनके लिए तकर नहीं होते थे लेकिन जो शौकीन लोग हैं जो चाय अपनी जो रोजी रोटी के लिए चाहे दूसरा काम करते हों अपने शौक़ को पूरा करने के लिए एजेंसीयों के साथ काम करते थे और मैं समझता हूँ बहुत से अदीब भी रहे इसमें आव... मैं मिसाल शगुफा के एडिटर मुस्तफ़ा कमाल साहब की लूँगा कि वो साठ के दहे में जब वो कॉलेज में थे उसके बाद लेक्चर मुखर जो अखबारों में काम करने वाले रिपोर्टर्स थे उनसे भी ज्यादा काम करते थे बल्कि दूर दूर तक रिपोर्टिंग के लिए जाते थे और वो खबरें एजेंसी से अखबार को आती थी तो ये सिलसिला मैं समझता हूँ बहुत अच्छा था अखबारों के लिए और गैर जानबदारी वाला जो मामला है वो मैं समझता हूँ एजेंसियों में

कि जहाँ से बहुत सारे जहाफ़ी तरबियत लेकर अखबारों में आए और अच्छे रिपोर्टर साबित हुए ठीक कि ये जो इलाकई खबर रसा इधारे थे इनकी भी अहमियत थी, थी और ये एक दर्जगा के तौर पर काम करते थे इसके बाद का जो मसला रहा आपने चंद्र बाबू नायडू जो मुतहद आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उनको याद किया जाता है उनके जो सरप्राइज विजिट होते थे उस हवाले से आपने बात की जमाना समझिए पिछले तीस वर्षों में जो टेक्नोलॉजी ने करवट ली है तो उर्दू अखबार और उर्दू का जो रिपोर्टर उसके पास भी वो टेक्नो एक जमाने में पेजर पे पहले इतना आती जी। थी जी। फिर मोबाइल फोन का जमाना आया फिर अब, 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 अब सब कुछ मोबाइल फोन से होने लगा तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या फील्ड की रिपोर्टिंग के हवाले से आपकी नज़र यूं समझ लीजिए मुख्तलि जबानों के सहाफत पर हिंदी से आप खुद जुड़े हुए हैं उर्दू से भी आप जो है सो गहरी नजर है तो कहाँ पर अगर हम तकाबुल उनका जायजा लें उनको कंपेयर करें तो उर्दू सहाफत को आप कहाँ पर देखते हैं कि फील्ड रिपोर्टिंग के हवाले से जी। कि फील्ड पर जाना और वाकयात को हादसा को ख़बरों को जमा करना इसमें दो पहलू हैं इसमें मैं समझता हूँ कि आपने ऐसा कहा कि कोविड और कोविड के कोविड के पहले और कोविड कोविड बहुत अहमियत रखता है कोविड के पहले जो है फील्ड रिपोर्टिंग का असर उर्दू में दूसरी जबानों के बराबर ही था उर्दू अखबारों के जो रिपोर्टर थे वो फील्ड पर ज्यादा मौजूद थे लेकिन कोविड के दौरान हमने पाया कि जो सोर्सेस हैं चाहे आप उस दौरान डिजिटल मीडिया ने बहुत ज्यादा जो है मैं समझता हूँ तरक्की की थी तो डिजिटल मीडिया के आने के बाद जैसा कि आपने कहा बहुत सारी चीजें हैं अब आज हम सेल स्मार्टफोन पर आ, इंटरनेट की भी जो स्पीड है वो वो भी ज्यादा अहमियत रखती है कि जो वेबसाइट मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जो खबर रसा इदारे हैं डिजिटल वेबसाइट्स हैं पोर्टल्स हैं और जो अखबार अंग्रेजी आपस, के अखबार हैं ऐप्स हैं उनके भी पोर्टल हैं आ, इसकी वजह से फील्ड पर जाना लोगों का कम हो गया है आ, और बहुत बार ऐसा होता है कि कोई इंफॉर्मेशन गलत भी आए एक जगह से कोई इंफॉर्मेशन आती है कोई वीडियो वायरल होता है वो वीडियो की खबर कहीं कोई अंग्रेजी में चूंकि हमारा सोर्स अब जो है उर्दू अखबारों का हो या लोकल जो अखबार हैं छोटे छोटे अखबार हैं उनका सोर्स अंग्रेजी पोर्टल्स हो गए हैं अंग्रेजी पोर्टल में आ, एक अगर कोई खबर गलत चलती है अफवाह पर चलती है तो वो सभी अखबारों में वो खबर उसी तरह से गलत छपेगी इसकी खास वजह यह है कि उसकी तस्दीक नहीं की जाती और तस्दीक करने के लिए जरूरी है कि जो शख्स तस्दीक करने के काम पर लगा हुआ है वो बुनियादी तौर पर रिपोर्टर हो ताकि वो अपने रिसोर्सेस से पता करे जैसा कि अगर कोई हादसे की खबर आती है तो हादसा दो कारों के बीच हुआ है या कार और मोटरसाइकिल के बीच हुआ है या जो शख्स हादसे का शिकार हुआ है वो पैदल था इस मामले में चूंकि खबर जो डिजिटल मीडिया पे खबरें आती हैं वो ज्यादातर स्क्रोलिंग के लिए लिखी जाती है टेलीविजन के स्क्रोलिंग के लिए लिखे जाते हैं और यह भी मैं बताता चलू कि आजकल जो खबरें लिखी जाती हैं वो टेलीविजन के स्क्रोलिंग को बुनियाद बनाकर भी जाते हैं तो उसमें अगर कोई वीडियो भी पूरी सदाकत नहीं बयान कर रहा है और जो स्क्रोलिंग की बुनियाद पर खबर बनाई गई है उसमें उसके बुनियादी सवाल के जवाब भी नहीं है इसके बावजूद वो खबर बनी है तो आपको उसकी तस्दीक करने के लिए जो मुतल पुलिस स्टेशन है या जो पुलिस के अहदेदार हैं उनसे बात करनी होगी अगर वो पुलिस का आपको नहीं जानता तो यकीन उस तरह की पूरी खबर नहीं देगा जो आपको जब जानता हो तो फील्ड की रिपोर्टिंग चाहे आप किसी से डिजिटल मीडिया से खबर लेते भी हैं तो फील्ड की रिपोर्टिंग जरूरी है तस्दीक करने के लिए कि जो हुआ है या जो इंफॉर्मेशन हम तक पहुंची है वो सचमुच में वैसे ही है जैसे हमको मिली है या कुछ अलग है तो यहाँ पर जब तकबुल हम कर रहे हैं तो क्या ये शिक, ऐसी शिकायत अगर है कि उर्दू का जो सहाफी है वो फील्ड से थोड़ा सा दूर हो गया जी, है जी, तो क्या दीगर जबानों के जो अखबार है उनका जो नया रिपोर्टर होता है जैसे क्राइम की कोई रिपोर्टर है तो उसके लिए मुर्दा खाना जाना जरूरी है रोजाना उसके लिए पुलिस स्टेशन जाना मतलब हम पढ़ाते हैं जब क्लास में तो भी यही शिकायत जो खबरों के मार्कज हो सकते हैं तो क्या आज भी आज का सहाफ़ी टेक्नोलॉजी आने के सब मुर्दाखाना जाना छोड़ दिया है वो या पुलिस स्टेशन जाना छोड़ दिया है फोन पर ही बात कर रहा है सारी नहीं इसका दू, इसका दूसरा पहलू मैं आपको बताऊंगा जैसा आपने कहा कि जो आ, मुस्तकिल सहाफत में जो लोग मौजूद हैं उनके लिए रिसोर्सिस जैसे फोन आ, मुफीद साबित हुआ है आ, और उर्दू में भी एक अच्छी बात हुई है कि इंफॉर्मेशन वाले जो लोग हैं उनकी तादाद बड़ी है जैसा कि आप स्ट्रिंगर सिस्टम जानते हैं इनाडू ने आंध्र प्रदेश मुतह आंध्र प्रदेश में शुरू किया था तो वहाँ सबसे जो है अच्छी खबर जो अच्छी खबर का मतलब यह है कि इंफॉर्मेटिव सबसे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन मिलती थी वो इनाडू से मिलती थी इसलिए कि इनाडू का जो हर हर पुलिस स्टेशन में एक स्ट्रिंगर हुआ करता था आज माशाल्लाह मैं कहूँगा कि उर्दू अखबारों ने भी अपने स्ट्रिंगर रखे हैं जो उर्दू के सहाफ़ी मैं उनको कहूंगा ना कहूँ या ना कहूँ मुझे जिसमें मुझे लगता है कि मैं अगर कहूँ तो भी गलत हो गया ना कहूँ तो भी गलत होगा लेकिन वो इंफॉर्मेशन पहुँचाने वाले जो है लोगों में उनको शामिल किया जा सकता है इससे लगता है कि जो खारी तक हमको इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है जो भी इतलात पहुँचानी है उनमें वो मददगार हैं टेक्नोलॉजी भी मददगार है और इस मामले में उर्दू सहाफत ने आ, थोड़ी सी तरक्की की है कि उसने ज्यादा लोगों की सर्विसेस ली हैं ये मैं समझता हूँ जो इससे पहले के हालात में नहीं थी तब्दीली आई है टेक्नोलॉजी के हवाले जी, से तब्दीली आई है वसायल के हवाले से नई नए नए वसायल हमारे यहाँ दस्तियाब हैं मवाद की बात करते हैं बाज गोशे हैं बाज लोग हैं जो ये शिकायत करते और स्टडीज भी हैं कि सबसे ज्यादा जो मालूमती मवाद होता है तो लोगों की जो तरजीह होती है वो अंग्रेजी जबान के अखबार के भी बिल्कुल ऐसा मवाद खबरों का जो साबित हो वो अंग्रेजी में ज्यादा होता है उर्दू अखबार के हवाले से कहाँ पर तोज्जो देने की जरूरत है क्योंकि आप कीमत के अतबार से देख लीजिए कि खारी जो न्यूज़पेपर खरीद रहा है वो सबसे महंगा अखबार उर्दू का अखबार है वो खरीद रहा है लेकिन मवाद के हवाले से जब इस तरह की बातें सामने आती है तो किन उमो पर तवज्जो देने की जरूरत है नहीं देखिए कोई भी इदारा जब हम आज के दौर आज के ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पर आमदनी बहुत अहमियत रखती है या जो इधारा चलाने के लिए जो खर्च है वो बहुत अहमियत रखता है तो कोई इदारा बहुत ज्यादा अगर अंग्रेजी अखबारों के जैसा कि आपने कहा अंग्रेजी अखबार ज्यादातर जो बड़े अखबार हैं वो Uh, माशी तौर पे बहुत मजबूत है uh, जबकि उर्दू अखबारों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता हाँ मैं यहाँ ये यह जो कुछ गोशों से जो तनखीद आती है जो जो कहा जाता है कि उर्दू के उर्दू अखबारों के मालिक तो बहुत मतलब अमीर हैं लेकिन उर्दू अखबार अमीर नहीं है तो इसमें यह है कि एक इदारे के तौर पर वो इदारा कितना मजबूत है वो अपने आ, सहाफियों की जरूरतों को या सहाफियों को गैर जानबदार रखने के लिए उनकी जरूरतें जरौते, जरूरतें पूरी करने के लिए कितन, कितनी कितनी अहमियत देता है या उनकी तनख्वाहें कितनी हैं सीधे अगर मैं बात करूं तो उस पर भी इसका इहसार है कि आपकी क्वालिटी कैसे इम्प्रूव होगी आपने कहा कि खारी को अच्छी क्वालिटी का मवाद मिलना है तो मैं बता रहा था आपको स्ट्रिंगर सिस्टम और रिपोर्टिंग सिस्टम में जो चीजें हैं तो अंग्रेजी अखबार में ऐसा नहीं है अंग्रेजी अखबार में जो रिपोर्टर है वो सबेटर का काम नहीं कर रहा है वो रिपोर्टिंग का ही काम कर रहा है वो मवाद हासिल करने के लिए वो तमाम कोशिशें करता है जो उसको करनी है जो वो पहले करता था टेक्नोलॉजी के आने से पहले वो करता था वो आज भी करता है वो खबर को जांच पड़ताल करता है खबर की उसके कई पहलुओं को देखता है उसके बाद वो खबर लिखता है फिर वो एडिटर के पास जाती है उर्दू में ये हाल हुआ है कि जो रिपोर्टर है उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है उसकी अपनी जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो नहीं है उसकी इन्फॉर्मेशन देने वाला दूसरा शख्स है वो चाहे टेलीविजन की हो चाहे सोशल मीडिया पर आने वाली इतलात हो या फिर किसी वेब पोर्टल से ली गई रिपोर्ट इब्तदाई मालूम हो।, हो।, हो फिर वो वो खबर लिख, लिखने के उसका इतना वक्त उसके पास है वो भी इस बात पर जबकि मैं दोनों की बात अगर करूं कंपैरिजन मुझे मुझे जो ऐसे लग रहा है कि कहीं न कहीं खारी के साथ कुछ यकीनन यकीनन हो रही है खारी के साथ आ, मैं इसका एक दूसरा पहलू बताऊंगा आपको कि अखबार जो आप कह रहे हैं सात रुपये में अगर खारी तक पहुंचता है तो अखबार है कितने का आज का जो अखबार ये अखबार के बारे में पहले से भी बहुत मशहूर है कि अखबार एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपनी प्रोडक्शन कास्ट से बहुत कम में बिकता है उसकी अगर सात रुपए का अखबार अगर है तो उसकी प्रोडक्शन कास्ट बीस से पच्चीस रुपए के आसपास होगी और वो अखबार आपको सात रुपये में खारी तक पहुंचा पहुंच रहा है तो उसकी प्रोडक्शन कास्ट जैसे जैसे बढ़ेगी जैसे कि अभी हमने आ, रूस और यूक्रेन वार के दौरान देखा कि कागज जो है कागज की जो आ, सप्लाई थी वो मुतासर हुई और अखबार की रेट अखबार की जो कीमत है वो बढ़ने लगी उसकी प्रोडक्शन कास्ट बढ़ने लगी तो खैर किसी तरह से बहुत से अखबारों ने जो है अपने कम का है। तो कास्ट कम करने के लिए डार्क एडिशन बंद किए बहुत सारे तरीके उन्होंने अपनाया तो मैं वापस आता हूँ कि उसकी प्रोडक्शन कास्ट कम करने के लिए उर्दू सहाफत ने क्या किया अंग्रेजी अखबारों ने प्रोडक्ट प्रोडक्शन कास्ट कम करने के लिए अपनी मार्केटिंग की इश्तहार के जराए बढ़ाए और यकीन उनके जो खारी थे वो खारी खारी पर भी डिपेंड करता है कि खारी कितना अमीर है खारी का अमीर होने से मतलब ये है कि वो जो प्रोडक्ट अखबार के तौर पे अपने घर पे खरीद रहा है नहीं देखिए आप खारी उर्दू का खारी अमीर होगा यहाँ पर वो ज्यादा कीमत देकर उर्दू का अखबार खरीद रहा है आप अगर अखबार तो नहीं, नहीं, के खारी की बात कर रहा हूँ अखबार खबर पढ़ने वाले खारी की बात नहीं कह रहा हूँ वो खारी जो अखबारों से अपनी तजारत को तजारत को बढ़ाएगा वो खारी जो अपने प्रोडक्ट्स को अपने, मतलब सहाफत के जरिए उसकी तशहर करेगा वो खारी जो अपने सर्विस को बेचेगा त के साथ यहाँ पर जी मैं आपको ये बताना चाहूंगा की क्या उर्दू अखबार का जो रीडर है वो टूथ पेस्ट इस्तेमाल नहीं करता क्या उर्दू अखबार का जो खारी है वो मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करता क्या उर्दू अखबार के सारे जो खारी हैं वो सिर्फ पैदल चलते हैं कोई टू व्हीलर फोर व्हीलर कोई इस्तेमाल नहीं करते तो क्या ये जब आपका रीडर उर्दू का खारी इतनी क़ुत खरीद रखता है वो सोना भी खरीदता है वो मोबाइल फोन भी खरीदता है वो टूथ का भी इस्तेमाल करता है और ब्रांडेड साबुन का भी वो इस्तेमाल करता है तो फिर ये आपने, आपने बहुत अच्छे तो ये इनके क्यों फिर को नहीं मिलते? नहीं, नहीं, बहुत अच्छे पहलुओं पर आपने जो है वो क्या कहेंगे उंगली रखी है आपने कंज्यूमर की तरफ उंगली रखी मतलब तो आपने बताया कि ये कंज्यूमर है उर्दू खारी लेकिन क्या वो प्रोडक्शन के इलाकों में इनकी पहुंच है नहीं ये अखबार की जिम्मेदारी नहीं।, नहीं है अखबारियाँ मसाद के इश्ति आप... तक नहीं पहुँच रहे मैं इसकी मिसाल कुछ इस तरह से दूंगा रहा उर्दू ये जो बारह जबानों में जो है अपने काम करती है और उर्दू दो साल 1916 और 17 के दौरान मैंने वहां काम किया एज ए उर्दू डिप्टी एडिटर एक दिन जो है जो एमडी हैं उन्होंने कहा कि आप उर्दू का सेक्शन आप खुद क्यों नहीं चलाते आप इसके मालिक बन जाइए तो मुझे महसूस हुआ कि जो दूसरे जबानों का जो ताल्लुक है उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी थी और उन, उस जबा, उन जबानों के जो पोर्टल थे उनको आमदनी बहुत अच्छी हो रही थी जब उर्दू से ताल्लुक रख मतलब उर्दू पोर्टल चलाने के लिए जब मार्केटिंग टीम कहीं पहुंचती है तो उनको वो सपोर्ट नहीं मिला जो दूसरी जबानों को मिला तो यकीनन जो मार्केटिंग वाला मामला है उर्दू अखबारों में अः मैं ये नहीं कहूँगा कि उस पर तो उस पर तोजह नहीं दी गई कुछ अखबारों ने उस पर तोज्जे दी और कुछ हद तक वो कामयाब रहे लेकिन वो उस हद तक कामयाब नहीं रहे जो दूसरी जबानों के अखबार रहे इसकी मैं उस तरफ मैं आपकी तवज्जे दिला दूँ कि उर्दू अखबारों ने शायद वक्त रहते हुए अपने खारी को अमीर बनाने की कोशिश नहीं की उर्दू अखबार ने वक्त पर शायद अगर कुछ तो दी जो दी होती तो शायद आज बेहतर सूरत हाल होती बहुत दिलचस्प आपके साथ इस मौजू पर गुफ्तु रही कि तकनीकी अतबार से भी उर्दू सहाफत ने तरक्की की है मवाद के एतबार से भी बहुत सारे तजुर्बा हुए हैं अभी आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है नाजरीन हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है और हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले हमारे मेहमान जनाब एफ एम सलीम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और आप सब से इजाज़त लेते हैं इन शाला अगले प्रोग्राम में आपसे एक नए मौजू के साथ मुलाकात होगी बेहद शुक्रिया